कॉम्प्रोमाइज करने से नहीं मिलती फिल्में, ना कहना भी जरूरी है, क्यों कास्टिंग काउच पर इम्तियाज अली ने कही ये लाइन। दरअसल फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच में जड़े गड़ा रखी है। हर दिन कोई नई एक्ट्रेस अपना कास्टिंग काउच का एक्सपीरियंस शेयर करती है, जिसे सुनकर लोगों की रूह तक कांप जाती है। कई फेमस एक्ट्रेसेस ये आरोप लगा चुकी है कि काम के बहाने किस तरह से कुछ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर फायदा उठाने की बात कहते हैं। अब बॉलीवुड में फैले कास्टिंग काउच पर फेमस डायरेक्टर इम्तियाज अली ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने एक इवेंट में बताया कि कास्टिंग काउच या फिर कॉम्प्रोमाइज के बदले कोई भी आपको काम नहीं देता है। डायरेक्टर इम्तियाज अली ने IFFI के इवेंट में कास्टिंग काउच पर अपने विचार शेयर करते हुए कहा कि मैं पिछले 15 से 20 सालों से इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ। मैंने बहुत कुछ सुना है कास्टिंग काउच के बारे में। अब जो ये बात कह रहे हैं कि कोई लड़की आती है काम मांगने के लिए, उन्हें डर लगता है। इम्तियाज अली ने आगे कहा कि जो महिला कॉम्प्रोमाइज की बात पर ना नहीं बोलती, उसके काम मिलने के चांस बढ़ते नहीं है। उन्होंने कहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो लड़की कॉम्प्रोमाइज कर लेगी उसे वहाँ रोल पक्का मिल जाएगा। आपको एक्सप्लॉइट करने वाले तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन अगर कोई लड़की ना बोलकर अपनी इज्जत करती है, तभी कोई दूसरा शख्स भी उसकी इज्जत करता है। इसके अलावा इम्तियाज अली ने कहा कि जो इंसान कॉम्प्रोमाइज करता है, वो अपने करियर से भी कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। केवल इतना ही नहीं, इस इवेंट में इम्तियाज अली ने वुमेन सेफ्टी पर भी बातचीत की। उन्होंने करीना कपूर का एग्जांपल देते हुए कहा कि जब वे मेट के सेट पर एक्ट्रेस पूरी तरह से सेफ थी। उन्होंने याद करते हुए बताया कि कैसे ट्रेन वाले सीन के दौरान जब लाइटमैन ने कहा कि यहाँ लाइट सही नहीं है, उस दौरान करीना बर्थ पर लेटी थी। मैंने करीना से कहा कि आप यहाँ से जाओ, जब लाइट ठीक हो जाएगी तो आप वापस लेट जाना, लेकिन उन्होंने कहा कि आप पर्दा लगा दीजिए और लाइटमैन लाइट्स ठीक कर देंगे। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें इंस्टा फीड को, साथ ही प्रेस करें हमारा बेल आइकन।